जानेंगे केपीआर मिल शेयर को लेकर हमारे बाजार के एक्सपर्ट काफी बुलिश है शेयर से, चलिए जानते हैं उन्हीं से। सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक पर व्यू है आपका? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है केपीआर मिल्स। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि यार्न, फिर निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट सब कुछ बनाती है। इनका एक लेजर वेयर का भी ब्रांड है, फासो नाम का ब्रांड है, तो उसके भी कई सारे आउटलेट्स हैं, साउथ में काफी पॉपुलर है। फिर एक जबरदस्त कंपनी है, और इसके अलावा इनका शुगर का भी अच्छा खासा कारोबार है, अराउंड 10,000 TCD की कैपेसिटी है। फिर आपके पावर जनरेशन करती है, 47.5 मेगावाट की पावर की कैपेसिटी है, और एथेनॉल भी 230 किलोलीटर्स पर डे की कैपेसिटी है, तो उसका भी एक फायदा मिलता है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, नतीजे भी बहुत अच्छे रहे हैं, और आप मैं इनके फंडामेंटल्स देख रहा था, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्लोज टू 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 25%, फिर अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है, और FISDIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 17% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें कई सारे प्रोमिनेंट फंड्स हैं, जैसे L&T है, DSP है, निपॉन है, टेम्पल्टन है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, वैसे भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट रहा हुआ है, तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो आज 612 के आसपास बंद हुआ, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 800 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। ओके, 9 से 12 महीने के लिए केपीआर मिल में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से।